हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रोक्सीमेटिक। आज मेरे पास है वीवो वाई किस्टी, जिसमें प्रॉब्लम है एलसीडी लाइट और ग्राफिक्स की। यानी ना ही इसमें ग्राफिक्स आ रहा ना ही एलसीडी लाइट आ रही। तो इन फ़ोनों में क्या होता है कि आपका अगर ग्राफिक्स नहीं आ रहा तो आपकी लाइट नहीं आने वाली है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ग्राफिक्स की कौन कौन सी लाइनें हैं और ये कैसे काम करती। तो इन सारी पिनों पर आपको डायोड वैल्यू चेक करनी है, और इन पर आपको डायोड वैल्यू 300 से लेकर 400 के बीच में मिलने वाली है। और ये हमारी सारी लाइनें जाती हैं सीपीयू के पास, तो हम दिखाते हैं। तो ये हमारे जो कंपोनेंट लगे हुए हैं यहाँ पे आती है। तो इन अगर कई बार क्या होता है कि सील हटाने से ये कंपोनेंट उखड़ जाते हैं, तो यहाँ भी चेक कर लें कि कहीं इनमें से कोई टूटा या उखड़ा हुआ तो नहीं है। अगर आपकी एक साइड पे वैल्यू आ रही है यानी सीपीयू के साइड में, तो यानी आपको यहाँ पे शॉर्ट कर देना है या इसे रिप्लेस कर देना है, तो आपका सही हो जाएगा। अगर उधर सीपीयू के साइड भी आपको डायोड वैल्यू नहीं मिल रही है, तो आपका सीपीयू से प्रॉब्लम है, आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। तो हम ऊपर से चौथे नंबर पिन को देखते हैं, और ये हमारी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे, और ये हमारी 1.8 की वोल्टेज है जो हमारी पावर एसी से कनेक्ट हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप ये देख सकते हैं ऊपर पावर एसी से कनेक्ट हो रही है। अब बात करते हैं पांचवी नंबर पिन पे, जो ग्रीन कलर की है, और ये हमारी यहाँ कनेक्ट हो रही है, और ये हमारी लाइन सीपीयू को जाती है। और ये हम चेक करते हैं रीसेट वाली लाइन जो हमारी इस साइड से दी गई है, और ये हमारी यहाँ पे कनेक्ट होती है। रीसेट की लाइन भी सीपीयू में गई है। अगर ये दोनों ब्रेक होती हैं तो आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा। देख सकते हैं यहाँ पे आपको सीधा सीपीयू में जा रही हैं, और रीसेट वाली लाइन पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलने वाला है। तो उसके बाद हम आते हैं बीएसपी और बीएसएन पे, जो वहाँ ऊपर से कनेक्ट हो रही हैं। इन पे आपको 5 वोल्ट मिलेगा, एक पे माइनस में शो होगा और एक पे प्लस में शो होगा। अगर इन दोनों पे किसी पे वोल्टेज मिसिंग है या दोनों पे नहीं आ रही है, तो आपको इसकी आईसी चेक करनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसकी आईसी दिखा देता हूँ। ये हमारी आईसी है जो ग्राफिक्स का काम करती है, और यहाँ पे ये दो कैपेसिटर हैं, इन पे से होते हुए लाइन जा रही है, और ये सीधे इंटर आईसी के अंदर हो रही है। ज़्यादातर केस में यहाँ से क्या होता है कि कॉइल ये जो हमारा दिख रहा है, ये कॉइल ख़राब हो जाने की वजह से हमारी वोल्टेज नहीं मिल पाती आईसी को, जिससे ये आईसी एक्टिवेट नहीं हो पाती है, जिसके वजह से हमें -5 वोल्ट और +5 वोल्ट नहीं मिल पाती है। तो आपको एक क्या बोलते हैं कॉइल को एक बार रिप्लेस कर लेना है, आपका 100% डन हो जाएगा। अगर कॉइल चेंज करने के बाद भी अगर ग्राफिक्स नहीं आ रही, तो आपको आईसी निकाल कर इन पॉइंट को चेक करना है जो ग्रीन कलर की दिख रही हैं, और ये हमारी कनेक्ट हो रही है यहाँ पे कंपोनेंट पे, और ये सीधा सीपीयू में जा रही है। आपको इसका जीआर लेना है, और ये हमारी पिंक वाली लाइन जो दिख रही दोनों, इनका भी जीआर लेना है। अगर ये मिसिंग है तो आप सीपीयू से प्रॉब्लम है, अगर ये ओके है तो आपको आईसी चेंज कर देना है, आपका 100% ओके हो जाएगा। ज़्यादातर केस में कॉइल ही ख़राब होता है, आप कॉइल पे काम करें और सीपीयू को ना छेड़ें। अब बात करते हैं हम इसकी एलसीडी लाइट के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक ग्राफिक्स समझा है। तो ये हमारा एलसीडी जैक है, और ये यहाँ आपको तीन लाइनें दिख रही होंगी। तो सबसे पहले पाँचवें नंबर पिन की बात करते हैं, जो यहाँ पर कनेक्ट हो रही है, और ये हमारी एलसीडी सीएबीसी की लाइन है, जिस पे आपको 1.8 की वोल्टेज मिलेगी, और ये यहाँ पे आईसी से कनेक्ट हो रही है। अगर ये मिसिंग है डायोड वैल्यू, अगर मतलब कि नहीं आ रही है, तो आपको इस आईसी पे काम करना है, या वोल्टेज नहीं आ रही तब भी आपको इस आईसी पे काम करना है। तो ये हमारी एलईडी के की लाइन है, और ये हमारी कनेक्ट हो रही है ये भी आईसी के ऊपर साइड में। और उसके बाद हम बात करते हैं नीचे से दूसरे नंबर पिन पे, जो हमारी एलईडी ए की लाइन है। अगर आपकी डायोड वैल्यू ओके है और इस पे वोल्टेज नहीं आ रही है 18 से 22 वोल्ट या 25 वोल्ट तक, तो आपको इस लाइन को चेक करना है। और ये लाइन हमारी जाती है इन दोनों कैपेसिटर पे, जो बड़े से लगे हुए हैं। कई बार ये कैपेसिटर उखड़ जाने की वजह से भी लाइट नहीं आती है, और ये हमारा डायोड लगा हुआ है, जिसके दूसरी साइड पर हमें 3.8 वोल्टेज शो होगी, और ये कॉइल से आता है। तो अगर आपको डायोड के दूसरी साइड पे 3.8 वोल्टेज नहीं मिल रही है,
मतलब कि कॉइल ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से वोल्टेज इधर नहीं आ पाती है और ये आईसी प्रॉपर वर्क नहीं करता है, जिसकी वजह से हमारी लाइट नहीं आती है। अगर आपने कॉइल रिप्लेस कर लिया है और आपका वोल्टेज डाइवोल्ट पे 3.8 वोल्ट मिल रहा है, तो आपको 6 पिन वाली लाइट आईसी दिख रही है, इसे आपको रिप्लेस कर देना है, आपका 100% ओके हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।